ये सिस्टम हैज़ टू चार्जेस क्यू ए 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, क्यू बी 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। क्यू ए क्यू बी दो चार्जेस हैं और दोनों कहाँ रखे हुए हैं, 0, 0 − 15, 0, 0 + 15, यानी दोनों जेड एक्सिस पर रखे हुए हैं। एक्स जीरो वाई जीरो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट है और इसमें भी एक्स जीरो वाई जीरो और जेड कोऑर्डिनेट है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जेड एक्सिस ही बनाता हूँ, सिर्फ ये जेड एक्सिस, एक्स और वाई हो गई कहीं, मैं सिर्फ जेड एक्सिस बना रहा हूँ और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो ए जो रखा है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में रखा है, ये चार्ज ए है क्यू ए, और बी जो है वो पॉजिटिव जेड में रखा है, ये चार्ज है क्यू बी। ये है प्लस 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और ये है माइनस 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये डायपोल बन गया और डायपोल मूवमेंट, टोटल चार्ज पूछ रहे हैं सिस्टम का, टोटल चार्ज तो जीरो ही दिख रहा है आपको, नेट चार्ज जीरो है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज जीरो है। डायपोल मूवमेंट पूछ रहे हैं, तो अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये चार्ज आपका प्लस क्यू है, ये चार्ज आपका माइनस क्यू है, तो डायपोल मूवमेंट जो होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 2.5 × 10⁻⁷ कूलम इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, 30 सेंटीमीटर है यानी 0.3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁸ कूलम इनटू मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। और जो डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की, वो जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो ढंग से देखा जाए तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग होगी वो, क्लियर। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है,